Hello, all my dear viewers, very warm welcome in my YouTube channel, English Junction by JJ. Today I am going to explain you class 7th, chapter 7, Northeast India. In this chapter, you are going to read about the 36 states and union territories, the warm-up activities given here. So, in this chapter, you will be going to read about the states. I am going to scroll the page up. Giving you a view of the first line. So about the three state you're going to read in this chapter. First is Mizoram, second is Assam, and the third state you're going to read about the famous cultures, about their traditions, is in Nagaland. So first we will know about the Mizorams, how the people of Mizorams live their lives, their traditions, about their traditions and all. So here the first line is, the chapter start with Mizoram's state. First line is, nested in the mountains of northeast India, the tiny states of Mizorams, its scenic hills and mountains, serenic lakes, deep valleys and rippling streams crumbling down the cliffs to from spectacular waterfalls are a naturalist delight. Here they are saying that in this first paragraph, they are giving you the detail of Mizoram. Mizorams mein, Mizoram jo state hai, wahan par kaisi atmospheres hai, log kaise rehte hain, wahan par logo ki lifestyle kaisi hai, what the traditions they are using. So, in the first line, the first word is nestedly. Nestedly means surrounded by, in the mountains of northeast India. Northeast India. के एक छोटे से स्टेट में, जो छोटा सा स्टेट मिजोरम्स जो शहर है, वहाँ पर वो किस तरह है, चारों ओर माउंटेन से घिरा हुआ है. सिनरिक हिल्स, सिनरिक हिल्स मीन्स देखने लायक, सिनरिक व्यू जो यहाँ पर है, हिल्स और माउंटेन जो है काफ़ी खूबसूरत हैं, देखने में लगते हैं. सिनरिक लेक्स, सिनरिक मीन्स यहाँ पर बिल्कुल शांत, पीसफुल पीसफुल लेक है. डीप वैलीज, वैलीज वेयर द पीपल्स आर लिविंग, तो वो डीप वैलीज है. रिपलिंग स्ट्रीम्स ट्रेवलिंग डाउन द क्लिफ्स टू फ्रॉम स्पेक्टेटर वाटरफॉल्स, जो स्ट्रीम्स है, जो नदियाँ हैं, वो यहाँ पर बहुत खूबसूरती से बहती हैं. वाटरफॉल्स हैं पहाड़ों के ऊपर से. इन सारी चीज़ों का एक जो मिक्सअप है वो क्या दे रहा है, एक नेचुरल व्यू दे रहा है, डिलाइट दे रहा है, प्लेजर दे रहा है, किसे, हमारी आँखों को. एंड यहाँ पर ये जो जगह है वो जो नेचुरल लवर लोग जो होते हैं, जिन्हें नेचर से बहुत प्यार होता है, उनके लिए ये जगह बहुत अच्छी है. सो नेचुरलिस्ट डिलाइट, इसलिए जो लोग नेचर लवर होते हैं उनके लिए ये जगह काफ़ी उन्हें पसंद आएगा. इट्स नाउ द नेक्स्ट लाइन इज, इट्स अ फॉरेस्ट एंड अ थिक बैम्बूज ग्रुप्स आर होम टू द वराइटीज ऑफ अ वाइल्ड लाइफ. सो टूरिस्ट आर अट्रैक्टेड एवरी नाउ एंड देन बाई द रेंज ऑफ अ वाइल्ड लाइफ फाउंड हियर, स्पेशली द बर्ड्स. सो हियर दे आर सेइंग दैट, यहाँ पर ये बोला गया है कि यहाँ की जो फॉरेस्ट है, जो जंगल है, वहाँ पे बैम्बू स्टिक्स जो होती है, बैम्बू का ग्रोथ बहुत ज़्यादा है, ज़रूरत से ज़्यादा यहाँ पर है. एंड ये एक घर के जैसा है वाइल्ड लाइफ के लिए. वाइल्ड लाइफ मीन्स वाइल्ड लाइफ जंगल यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, जो कि, और ये इतना खूबसूरत लगता है देखने में, जो कि टूरिस्ट को काफ़ी अट्रैक्ट करता है. टूरिस्ट लोग को हर समय, ऐसा नहीं है कि एक बार गए और वहाँ पे बस हो गया, अब नहीं जाना. समटाइम्स वी आर विजिटिंग सम प्लेसेस ना, वन टाइम विजिट इज़ ओके, बट यहाँ पर ये जो है एवरी नाउ एंड देन, मतलब इतना ज़्यादा खूबसूरत है व्यू यहाँ पर, जो टूरिस्ट यहाँ पे बार बार, उनका मन यहाँ पर करता है आने के लिए. बाय द रेंज ऑफ वाइल्ड लाइफ फाउंड हियर्स, क्यों बार बार मन करता है, क्योंकि यहाँ पे स्पेशली द बर्ड्स, बहुत डिफरेंट तरह की वैरायटी वैरायटी की बर्ड्स जो है वो यहाँ पर पाई जाती हैं मिजोरम्स में. लोकल पीपल ऑफ मिजोरम्स आर कॉल्ड मिजोस, जो लोकल वहाँ के जो लोकल लोग हैं, जो वहाँ परमानेंटली रहते हैं, उनको मिजोस कहते हैं. वार्म, जेनरस एंड वेलकमिंग नेचर कैसा है, वार्म है, लोगों से काफ़ी अच्छे तरीके से मिलते हैं, जेनरस हैं, वेलकमिंग है. द मिजोरम्स फॉलोज अ कोड ऑफ गुड वैल्यूज कॉल्ड तलंग व्यंग्याना. तो यहाँ पर जैसे कि नॉर्मल लाइफ में हम किसी से मिलते हैं तो हम उसको हेलो, हाय, एक गुड वैल्यूज़, गुड वैल्यूज़ मीन्स जैसे किसी को वेलकम करना हो, एक अच्छा मैनर जो होता है, वहाँ पर जो मिजोस जो होते हैं, जो मिज़ोरम में जो लोकल पीपल होते हैं, उन वो
गुड वैल्यूज के लिए एक कोड यूज करते हैं, उसे बोलते हैं तेलंगाना। तेलंगाना जो है वर्ड वो यूज करते हैं किसी को वेलकम करने के लिए, किसी को एक गुड वैल्यूज के लिए। लाइफ इन मिजोरम कंटिन्यूज टू बी बेस्ड ऑन ट्रेडिशनल कम्युनिटी लाइफ। यहाँ पे लोगों की जो जिंदगी है वो मोस्टली किस तरह से चलती है, किस पे बेस्ड है? ट्रेडिशनल कम्युनिटी लाइफ मीन्स उनके जो एंसेस्टर्स हैं, जो पहले से जो रीति रिवाज जो चला आ रहा है उसमें कुछ भी चेंजेस नहीं हुआ है, वो उसको ही फॉलो करते आ रहे हैं, ट्रेडिशंस को, अपने रीति रिवाजों को। वो जो है मिजोरम के जो मिजोस जो लोग हैं वो उन्होंने छोड़ा नहीं है अभी तक। अ हाईलाइट ऑफ दिस लाइफ स्टाइल इज़ द कम्युनिटी डांस। इनकी जो लाइफ स्टाइल मीन्स जिंदगी जीने का जो तरीका है, लाइफ स्टाइल्स, उनमें सबसे ज़्यादा जो अट्रैक्टिव, जो अट्रैक्ट करता है लोगों को, अट्रैक्ट करता है उसका अट्रैक्शन का जो सेंटर है वो है इनका कम्युनिटी डांस। जो इनका डांस होता है हेल्ड ड्यूरिंग द हार्वेस्ट फेस्टिवल। हार्वेस्ट मीन्स होता है कि कटाई, जब फसल उगती है और उसके कटाई के समय का जो वक्त होता है फसल का, उस समय भी ये फेस्टिवल मनाते हैं। खेती जो है, जो उगता है उसे काटते हैं और उस कटाई के समय भी वो उस धरती का, उस अनाज का पूजा करते हैं, तो उससे भी एक फेस्टिवल के रूप से ये सेलिब्रेट करते हैं। तो वहाँ पे भी एक डांस ये परफॉर्म करते हैं उस समय, हार्वेस्ट के समय, उस फेस्टिवल में। तो आगे है, इन मिजोरम्स द टर्म्स कूट मीन्स फेस्टिवल्स। वहाँ पे मिजोरम्स जो है, मिजोस जो पीपल हैं वो फेस्टिवल्स को कूट वर्ड से रिकॉग्नाइज करते हैं, कूट वर्ड यूज़ करते हैं फेस्टिवल्स के लिए। एंड मोस्ट ऑफ द फेस्टिवल्स आर रिलेटेड टू एग्रीकल्चर। इनके जो ज़्यादातर मोस्ट ऑफ द जो एग्रीकल्चर फेस्टिवल्स हैं, जो ये फेस्टिवल मनाते हैं, वो किससे रिलेटेड होता है? वो एग्रीकल्चर से रिलेटेड होता है। आई हैव टू सी, स्क्रॉल ज़्यादा हो गया है। या दिस वन आई वांट दिस पेज। या सो वी आर हियर ओनली, मोस्ट ऑफ द फेस्टिवल्स आर रिलेटेड टू एग्रीकल्चर। छपचरकूट इज़ अ फेस्टिवल डैट इज सेलिब्रेटेड ड्यूरिंग द पीरियड व्हेन बैम्बूज एंड ट्रीज इन द फॉरेस्ट आर कट एंड बर्न। छपचरकूट एक ऐसा फेस्टिवल है जो मिजोरम पीपल मनाते हैं। कब मनाते हैं? उस समय जब बैम्बूज और ट्रीज जो होते हैं फॉरेस्ट में, उनको काट दिया जाता है। उसके बाद उस लैंड को थोड़ा और अच्छा कल्टीवेटिव बनाने के लिए और अच्छा उपजाऊ बनाने के लिए, वहाँ पर उस कटिंग के बाद, फसल की कटाई के बाद वहाँ पर आग लगा दिया जाता है कि वहाँ पर जो भी छोटे मोटे घास वास जो है वो सब बर्न हो जाए और वो लैंड जो है फिर से फार्मिंग के लिए तैयार हो जाए। तो उस समय जो होता है उस फेस्टिवल, वहाँ भी एक ये फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं एग्रीकल्चर में, उसको बोलते हैं छपचरकूट इज अ फेस्टिवल। दिस इज डन टू क्लियर द लैंड फॉर अ जूमिंग और अ फार्मिंग। ये क्यों किया जाता है? उस जिस लैंड पर, जिस ज़मीन पर पहले ही ये अनाज उग चुका है, कटाई हो गई, उसके बाद भी उसका जो रूट है और भी बहुत कुछ है, वो लैंड को क्लियर फिर से फार्मिंग के लिए करने के लिए वहाँ आग लगा दिया जाता है, दोबारा फार्मिंग के लिए, उससे और अच्छा उपजाऊ बनाने के लिए। तो इस जो सारा प्रोसेस है इसे कहते हैं छपचरकूट। इसे भी एक फेस्टिवल के रूप में मिजोरम्स के जो पीपल हैं वो सेलिब्रेट करते हैं। द पीपल ऑफ मिजोरम्स आल्सो हैव मैनी यूनिक डांसेस एंड सॉन्ग्स। यू कैन सी इन अ पिक्चर, जो डांस यहाँ पर है, यू कैन सी हियर इन अ पिक्चर। मिजोरम्स के जो पीपल्स होते हैं उनका जो डांस होता है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग होता है। फर्दर आई विल एक्सप्लेन यू हियर इन दिस पैराग्राफ, दिस डांस एक्सप्लेनेशन इज आल्सो देयर। सो द पीपल ऑफ मिजोरम्स हैव आल्सो हैव मेनी यूनिक डांसेस एंड सॉन्ग्स। वन ऑफ द ओल्डेस्ट डांस ऑफ मिजोरम्स इज द चेराव। चेराव जो है यहाँ पे जो मिजोरम्स के जो लोग हैं, यहाँ पे इनका जो डांस होता है, जो नृत्य होता है, जो गाना होता है, जो सॉन्ग्स होता है, जो ये गाते हैं उस समय, नृत्य करते समय, डांस करते समय, वो काफ़ी अलग होता है, काफ़ी यूनिक होता है। और इनका जो सबसे पुराना ओल्डेस्ट डांस जो है मिजोरम का, उसे चिरो के नाम से जाना जाता है। इज़ अ हंड्रेड्स ऑफ ईयर ओल्ड, जो कि 100 सालों से भी ज़्यादा पुराना है। दिस डांस इज़ अ परफॉर्म विद अ बैम्बू पोल्स। ये डांस कैसे परफॉर्म किया जाता है? विद द हेल्प ऑफ अ बैम्बू पोल।
बैम्बू की जो स्टिक्स होती हैं उसके द्वारा ये जो डांस है परफॉर्म किया जाता है. कैसे परफॉर्म किया जाता है, यू कैन सी इन अ पिक्चर द टू गर्ल्स आर जस्ट सिट फेस टू फेस ऑन अ ग्राउंड एंड टैप अ लॉन्ग पेयर ऑफ अ बैम्बू पोल्स ओपन एंड क्लोज इन अ टाइम विद अ रिदमिक बीट विथ रिदमिक बीट. सो द प्रोसेस इज दिस, जब भी ये डांस परफॉर्म करते हैं दो बैम्बू स्टिक्स को लेके किया जाता है, दो लेडीज एक दूसरे के सामने बैठती हैं और जो म्यूजिक चलता रहता है उसके बीट पर, उसके म्यूजिक के बीट पर उस बैम्बू स्टिक को ऐसा क्लोज करते हैं, ओपन करते हैं. इन दैट ड्यूरेशन व्हेन द बैम्बू स्टिक इज ओपन, जब उसे ओपन किया जाता है द टू लेडीज जस्ट दे आर जंपिंग अबव दैट यू कैन सी इन अ पिक्चर. उस स्टिक के ऊपर जो दो जो लेडीज हैं, जो गर्ल्स हैं डांस कर रही हैं, उन्हें जब ये बैम्बू स्टिक ओपन होता है उसके अंदर अपना जो पाव है वो डालना होता है. एंड व्हेन द टाइम इट कम्स टू क्लोज दैट बैम्बू स्टिक दे हैव टू इमीडिएटली रिमूव देयर लेग्स बिटवीन दैट बैम्बू स्टिक्स. सो ये सब कुछ होता है जो उनका म्यूजिक चलता रहता है उस बीट्स के हिसाब से ऐसा ये डांस परफॉर्म करते हैं. ये जो ओल्डेस्ट डांस है इनका, मिजोरम पीपल का, जिसे चेरो के नाम से फेमस है, जो कि 100 साल से भी पुराना इनका डांस है. यहाँ पर यंग वुमेन्स ड्रेस्ड इन ऑन, जो यंग वुमेन हैं वहाँ पे ड्रेस्ड इन अ ट्रेडिशनल क्लॉथ्स डांस इन एंड आउट बिटवीन द बैम्बूज. तो जो यहाँ पे यंग वुमेन्स हैं वो ट्रेडिशनल क्लॉथ्स जो होता है मिजोरम्स का वो पहनते हैं. अब यू कैन सी इन अ पिक्चर येलो आउटफिट्स, दे आर वियरिंग येलो कलर के ड्रेस पहने हुए हैं और उनको बैम्बू स्टिक के अंदर और बाहर अपना जो पाँव होता है अकॉर्डिंग टू द रामिक बीट्स डालना और निकालना होता है. दिस इज़ द ओल्डेस्ट डांस परफॉर्म बाय द मिजोस पीपल, मिजोरम्स पीपल्स, दैट डांस नेम इज़ अ चेरो. एंड द मिजोज ऑल्सो हैव अ रिच हेरिटेज ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट. रिच हेरिटेज इनको किस चीज़ का है, आर्ट एंड क्राफ्ट का है, इनको विरासत में मिली है जो ये सदियों से करते चले आ रहे हैं एज देयर ट्रेडिशंस. द पाइकवांग, पाइकवांग से बैम्बू बास्केट, पाइकवांग क्या है, अ बैम्बू बास्केट ऑफन यूज टू कैरी अ कॉटन और अ फायरवुड्स. किस लिए यूज़ किया जाता है ये बास्केट विद द, जो कि बैम्बू स्टिक से बना हुआ है, फॉर कैरिंग अ कॉटन एंड अ फायर वुड्स. इज अ गुड एग्जाम्पल ऑफ आर्टिस्टिक स्किल्स ऑफ अ मिजो पीपल्स. ये एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है, उदाहरण है किस चीज़ का, आर्टिस्टिक स्किल का. स्किल मीन्स इनकी जो एक अच्छी हैबिट्स है, स्किल उनके अंदर एक कुशलता जो है उसकी एक गुड एग्जाम्पल है मिजोस पीपल का. किसके रूप में, जो कि ये बैम्बू स्टिक्स से बास्केट बनाते हैं और उसे यूज़ करते हैं कॉटन को कैरी करने में, फायरवुड्स को कैरी करने में. ये उनकी एक आर्टिस्टिक स्किल का बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है. मिजोज ऑल्सो हैव अ रिच हेरिटेज. Okay, this is over. Now the second state is Assam that we are going to read. Mizorams ke baare mein yahin tak ka details tha aapki book mein. Now we are going to read about Assam. Yes, you can see in a picture, very beautiful scene is here. The mountains are there and the trees and the brook is just flowing. आफ्टर सीइंग दिस सीन यू कैन सी वहाँ बहुत ठंड है, पहाड़ है, कोहरा है, फॉग है, नदी बह रही है, बहुत ही खूबसूरत व्यू है, सीनरिक व्यू. वी कैन सी दिस टाइप ऑफ पिक्चर एज अ सीनरिक व्यू. ओके, कम टू द पॉइंट. असम, असम इज़ अ लैंड ऑफ अ ब्लू हिल्स. व्हाई दे आर सेइंग असम इज़ अ लैंड ऑफ अ ब्लू हिल्स, बिकॉज हियर यू कैन सी इन अ पिक्चर ब्लू हिल्स है बहुत ढेर सारे आसाम में. आसाम जो कि बहुत ही खूबसूरत स्टेट है, मैं वहाँ जा चुकी हूँ, विज़िट किया है मैंने. आपको भी कभी मौका मिले तो आप जाओ वहाँ पे. आसाम में टी प्लांटेशंस है, अगर आप वहाँ जाते हो आपको एक बहुत ही फ्रेश व्यू आएगा. टू मच ऑफ ग्रीनरीज इज़ देयर, एवर ग्रीन फॉरेस्ट इज़ देयर एंड ब्लू हिल्स. ओ आसाम बहुत अच्छा स्टेट है आसाम. तो अब चलते हैं आसाम के बारे में पढ़ते हैं. आसाम इज़ अ लैंड ऑफ अ ब्लू हिल्स, लस्ट ग्रीन प्लेन्स. यहाँ पर बोला जा रहा है कि आसाम जो है वहाँ कि यहाँ पर जो है ब्लू हिल्स है जो कि देखने में काफ़ी सुंदर लगते हैं. लस्ट ग्रीन प्लेन्स, लस्ट मीन्स द एरियाज इज कवर्ड विथ अ ग्रीनरीज, मतलब कि हरा भरा हो वो जो एरिया है, बहुत ढेर सारा ग्रीनरी से भरा हुआ हो. द
दैट्स वाई यहाँ पे यू आर लू वर्ड सॉरी वर्ड यूज़ किया गया है लस्ट. लस्ट वर्ड इज यूजिंग टू एक्सप्लेन कि यहाँ पर जो एरिया है, प्लेन्स जो है, जो ज़मीन है, वो काफ़ी हरा भरा है, चारों तरफ हरियाली छाई हुई है. एंड मैनी रिवर्स, बहुत ढेर सारी नदियाँ हैं, बह रही हैं यहाँ पे. इट इज़ ऑल्सो ए स्टेट विच रिच एंड डाइवर्स कल्चर्स ऑफ पीपल्स ऑफ डिफरेंट फेथ्स एंड रेसेस हैव अ लिव टुगेदर हियर फॉर थाउजेंड्स ऑफ ईयर. ये एक ऐसा स्टेट है जहाँ पे बहुत ज़्यादा तौर पर आपको देखने को मिलेगा कि डाइवर्स कल्चर, मतलब कि डिफरेंट डिफरेंट कल्चर्स के लोग एक साथ रह रहे हैं, एक ज़मीन पर रह रहे हैं, एक एरिया में रह रहे हैं, डिफरेंट फेथ्स के लोग, डिफरेंट रेस के लोग एक साथ रह रहे हैं, थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स से रह रहे हैं, एक साथ मिलजुल कर रह रहे हैं, काफ़ी खुशी से रह रहे हैं यहाँ पे. डाइवर्स कल्चर मीन्स यहाँ पर है, आप एग्जांपल ले सकते हो, जैसे कोई बंगाली फैमिली है एंड द नेबर इज़ अ गुजराती फैमिली, सो दे आर बोथ आर वेरी डिफरेंट, बंगाली एंड गुजराती फैमिली. बंगाली मोस्टली इनका ईटिंग हैबिट्स डिफरेंट है, वर्शिप हैबिट डिफरेंट है, दैट्स व्हाई ही आर यूजिंग अ द वर्ड डिफरेंट फेथ्स. फेथ्स मीन्स आपका बिलीव, कोई गॉडेस दुर्गा जी पे बिलीव करता है, कोई लॉर्ड गणेशा पे बिलीव करता है, कोई मस्जिद जाता है, कोई चर्च जाता है. यहाँ पे क्या बताया गया है कि पीपल्स जो लोग हैं दे आर बिलीव इन अ डिफरेंट फेथ्स. इनका इनका जो विश्वास है वो अलग अलग भगवान में है, अलग अलग चीज़ों में है, लेकिन दे लिव टुगेदर, लेकिन वो साथ में एक भाईचारे के साथ कई हज़ारों सालों से साथ में रह रहे हैं. ये एक डाइवर्स कल्चर की ओर इंडिकेशन देता है. डाइवर्स कल्चर मीन्स डिफरेंट कल्चर, डिफरेंट डिफरेंट कल्चर्स आर लिविंग टुगेदर. सो ये एक बहुत अच्छी बात है दैट हियर दे ऑल आर लिविंग टुगेदर. फर्दर द शिवालिक हिल्स इज द नेम ऑफ अ हिल्स लाई अलॉन्ग द नॉर्दर्न एंड वेस्टर्न एजेस ऑफ असम. एजेस मीन्स किनारा. आसाम का जो नॉर्दर्न एंड वेस्टर्न एज है, जो किनारा है, वहाँ पे कौन सी हिल्स है? शिवालिक हिल्स है. न्यूमरस स्नो फीट्स रिवर्स. स्नो फीट्स रिवर्स, स्नो मीन्स बर्फ, बर्फ जमा हुआ, स्नो फीट्स बर्फ से बर्फ जमा हुआ, रिवर्स हैं बहुत ढेर सारे छोटे छोटे रिवर्स हैं जिसमें बर्फ जमे हुए हैं. स्ट्रीम्स फ्लो डाउन्स, स्ट्रीम्स में नदियाँ बह रही हैं नीचे की ओर, किस पे से? स्लोप्स ऑफ शिवालिक्स, जो शिवालिक हिल्स है उसके ऊपर से नदियाँ बह रही हैं. एंड फीट्स इमरेट्स ग्रीन पैडी फील्ड, इमरेट्स ग्रीन पैडी फील्ड, यहाँ वर्ड यूज़ किया गया है इमरेट्स ग्रीन पैडी फील्ड. पैडी फील्ड वर्ड यूज़ किया गया है बिकॉज ऑफ अ टी प्लांटेशन. जो टी प्लांटेशन होता है वो जो फील्ड, वो टी के जो प्लांट्स होते हैं वो बहुत बड़े नहीं होते, छोटे होते हैं, एक साइज़ के होते हैं. वेन एवर यू आर सीइंग फ्रॉम फार, उसे दूर से अगर आप देखते हो तो वो जो फील्ड है ना, वो फील्ड आपको काफ़ी क्लस्टर्ड, जैसे एक साथ गुच्छे में रहता है, इसलिए यहाँ पे पैडी, एक पैडी वर्ड यूज़ किया गया, एक पफ के जैसा लगता है देखने में. और वो काफ़ी ज़्यादा हरियाली वहाँ दिखती है, हरा भरा दिखता है, इसलिए यहाँ वर्ड यूज़ किया गया है इमरेट ग्रीन पैडी फील्ड. एंड टी स्टेट्स द स्टेट इज़ नोन फॉर, और ऑब्वियसली ये जो स्टेट है टी स्टेट के लिए बहुत पहले से फेमस है, जाना माना है स्टेट है ये. फर्दर देर आर मैनी फेस्टिवल्स डेट आर यूनिक टू दिस रीज़न. इस एरिया, इस जो रीज़न है उस जगह में काफ़ी फेस्टिवल्स हैं जो कि काफ़ी यूनिक हैं. जो सबसे फेमस फेस्टिवल है उसे कहते हैं बीहू इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल ऑफ असम. बीहू इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल ऑफ असम. इट कैन बी ब्रॉडली डिवाइडेड इंटू थ्री कैटेगरी. इसे एक बड़े पैमाने में तीन भागों में बांटा गया है. फर्स्ट इज़ अ बोग बीहू विच इज़ सेलिब्रेट्स द होप. लेट मी स्क्रॉल द पेज अप. बोग बीहू, यस, बोग बीहू विच सेलिब्रेट द होप्स ऑफ अ गुड हार्वेस्ट, विच इज टाइम व्हेन अ फार्मर्स स्टार्ट स्नोइंग. जो पहला है बीहू फेस्टिवल है जिसे थ्री कैटेगरीज में बांटा गया है, जिसमें से जो पहला कैटेगरी है उसे बोलते हैं बोग बीहू. बोग बीहू उस समय इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया जाता है जब जो फार्मर जो होता है वो जो छोटा सा बीज होता है उसे उस ज़मीन में, मिट्टी में बोने, स्नोइंग का काम होता है, स्नो का स्नोइंग का काम होता है, उस समय जो फार्मर होता है वर्शिप करता है भगवान से प्रार्थना करता है
कि जो मैं इस बीज को बो रहा हूँ वो अच्छी तरह से उगे, और जब मैं उसे काटने के लिए आऊँ तो मुझे एक अच्छा हार्वेस्ट हार्वेस्ट मिले, एक अच्छी फसल यहाँ से उगे। इसके लिए एक अच्छी फसल उगने के लिए जब बीज को बोया जाता है जमीन में, उस समय जो वर्शिप किया जाता है उसे सेलिब्रेट करते हैं बोग बिहू के नाम से। सेकंड जो पार्ट है इसका वो है काटी बिहू, सेकेंड कैटेगरी। थ्री कैटेगरीज में डिवाइड किया गया, सेकेंड है काटी बिहू विच मार्क्स द कटिंग एंड बाइंडिंग ऑफ अ क्रॉप्स। ये उस समय ये फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है जब जो है आपकी फसल पूरी तैयार हो जाती है, और उसके कटिंग एंड बाइंडिंग ऑफ क्रॉप्स, उसे काटने और उसे ढंग से रखने, बाइंडिंग बाइंडिंग मतलब किसी चीज़ को रखना, मोड़ना, बाइंड करना, बाइंडिंग का जो काम होता है, उस समय ये फेस्टिवल काटी बिहू मनाया जाता है। एंड लास्ट जो कैटेगरी है वो है माघ बिहू विच मार्क्स द सीजन ऑफ हार्वेस्टिंग। इस समय जब जब जो सीजन ऑफ हार्वेस्टिंग का जब पूरा आ जाता है, हार्वेस्ट मतलब कटाई के बाद जो फाइनल स्टेज जो होता है, उस समय इसे माघ बिहू के नाम से सेलिब्रेट किया जाता है। आसामीज आर ऑल्सो नोन फॉर देयर एक्सेलेंट क्राफ्टमैनशिप। आसामीज जो हैं अपने एक्सेलेंट, बहुत अच्छे वो स्किलफुल हैं, बहुत एक्सेलेंट है क्राफ्टमैनशिप में। किस चीज़ में? बैम्बूज और कैन प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द लाइफ ऑफ आसाम। बैम्बूज जो स्टिक है और केन जो है वो इनके लाइफ में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, बिकॉज यहाँ पर जो बैम्बूज और केन की जो ग्रोथ ग्रोन होती है, जो ग्रोथ है वहाँ पे, जो उगने का काम होता है, बहुत ज़्यादा अमेंडेंस मीन्स एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा बहुत ज़्यादा तादाद पे पाई जाती है यहाँ पे। इनफ ऑफ समथिंग, मोर देन इनफ मतलब ज़रूरत से ज़्यादा वहाँ पे बैम्बू स्टिक और कैन मिलता है, केन। दैट्स वाई ग्रोन इन अबेंडेंस केन एंड बैम्बूज आर यूज टू मेक मोस्ट ऑफ द हाउस होल्ड आर्टिकल्स इन आसामीज हाउस। और ये किस लिए यूज़ किया? क्योंकि ये यहाँ पे ज़रूरत से ज़्यादा यहाँ इसकी पैदाइश है, मतलब यहाँ पे उगता है बैम्बूज और केन जो है, इसलिए यहाँ पे हाउस होल्ड आर्टिकल्स के लिए मीन्स घर के छोटे मोटे चीज़ों के लिए मोस्टली। हम अभी नॉर्मल अगर हम अपने घर में देखते हैं तो आप देखोगे रेफ्रिजरेटर में देर आर सो मेनी बास्केट्स ऑफ मेड अप ऑफ प्लास्टिक्स के बास्केट्स हम बहुत यूज़ करते हैं। फ्रिज का ट्रे जो होता है वो भी प्लास्टिक का होता है। तो यहाँ पे आप बट जब आप आसाम इसके हाउस में जाते हो तो आप देखोगे जो बास्केट, जैसे कि हम फ्रूट बास्केट प्लास्टिक का रखते हैं, वेजिटेबल बास्केट, सम टाइम पोटैटो ओनियन बास्केट्स आर ऑल्सो मेड अप ऑफ प्लास्टिक बट इन आवर हाउसेस। बट वेन एवर वी आर गोइंग टू आसाम इज हाउस, आप देखोगे कि वहाँ पे उनके घर के अंदर जो फ्रूट्स हैं, जो वेजिटेबल्स हैं, मोस्ट ऑफ द हाउस होल्ड थिंग्स आर जस्ट दे कैप्ड इन अ बैम्बूज बास्केट। वो कहाँ रखे हुए हैं? बैम्बूज के स्टिक से बना हुआ बास्केट जो है उसमें रखे हुए हैं। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग होता है। मैं नहीं गई है कभी आसाम, कभी मौका मिले तो जाइए ज़रूर, बहुत ही खूबसूरत स्टेट है ये भी। द यूजेस ऑफ अ केन एंड बैम्बूज, ओके फाइन, कम बैक हियर वी आर। हाउस होल्ड आइटम्स सच एज, उस बैम्बूज और केन से क्या हाउस होल्ड के आइटम्स बनाते हैं उसका डिटेल है। सच एज अ बास्केट टू मेकिंग अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बनता है बैम्बूज स्टिक से, इवन अ कंस्ट्रक्शंस ऑफ होम। यहाँ पे कंस्ट्रक्शंस ऑफ होम्स इसलिए दिया गया है क्योंकि सम टाइम्स आप जो देखोगे वहाँ पे आसाम्स में जो घर जो होते हैं वो भी बैम्बू स्टिक से बनाए जाते हैं। टेम्प्रोरी घर्स या दुकान, छोटा दुकान बैम्बू स्टिक्स से बनाए जाते हैं। विंडोज़ उनके घर में जो होते हैं दे आर मोस्टली यूजिंग बैम्बू स्टिक्स, क्योंकि वह बहुत ज़्यादा तादाद में मिलता है बैम्बूज, इसलिए वहाँ पे घर के कंस्ट्रक्शंस में छोटे मोटे विंडोज़ है, डोर्स है, वो भी बैम्बू स्टिक्स से वो बना लेते हैं। फेंस जो है घर के आगे का फेंस वो भी बैम्बू स्टिक से बना सकते हैं। द आसामीज पीपल्स आर ऑल्सो नोन्स फॉर मेकिंग अ ब्यूटिफुल कलरफुल मास्क। इन सब से अलग एक और चीज़ है जो कि आसामीज़ जो हैं काफ़ी स्किलफुल हैं, वो है कि ये एक बहुत ही ब्यूटीफुल और कलरफुल मास्क बनाते हैं। मास्क आजकल मोस्टली बाज़ार में प्लास्टिक्स के मास्क मिल जाते हैं, बट यहाँ पर दे आर मेकिंग द मास्क मेड अप ऑफ अ टेराकोटा। टेराकोटा एक फुलर अर्थ जैसे पाउडर होता है ना, मुल्तानी मिट्टी का पाउडर, उसी तरह का एक वाइट कलर का पाउडर होता है। मोस्टली टेराकोटा जो होता है वो सेरामिक के बर्तन भी उससे मतलब बनाने के लिए यूज़ करते हैं टेराकोटा, काफ़ी स्टैचूज एंड ऑल बनाने के लिए। तो यहाँ पे ये मास्क बनाने के लिए ये टेराकोटा यूज़ करते हैं, उसका डॉ बनाकर उसे किसी चीज़ में मोल्ड कर देते हैं एंड देन दे कलर दैट मास्क एंड दे
दे आर मेकिंग अ मास्क विद अ मेटल ऑल्सो, मेटल से भी बनाते हैं, बैम्बू से बनाते हैं, वुड्स से बनाते हैं, इन सारी चीज़ों से मास्क बनाते हैं. वे ट्रेडिशनली यूज इन अ फोक थिएटर. फोक थिएटर्स, फोक थिएटर मीन्स इनका, इनकी जो लोक कथाएँ हैं और इनका जो पहले से जो इनका ट्रेडिशंस हैं और ये जो है अपना एक थिएटर में परफॉर्म्स करते हैं. वहाँ पे असम के जो लोग हैं वो थिएटर में अपने जो ट्रेडिशंस हैं उसे परफॉर्म्स करते हैं, जो उनका ट्रेडिशनल डांस है चेराव ये सब कुछ परफॉर्म्स करते हैं हैं विद द हेल्प ऑफ दिस फोक थिएटर्स में जाकर ये मास्क लगाकर. टुडे दे आर ऑल्सो सोल्ड टू टूरिस्ट एज अ सोर्स ऑफ इनकम. अभी नाउ इट इज दे स्टार्टेड सोल्डिंग, ये क्या करते हैं, बेचते हैं ये सारे मास्क को टूरिस्ट को, जो टूरिस्ट विजिट के लिए आते हैं, जो विजिट के लिए आते हैं आसाम के, उन्हें बेचते हैं. क्यों? क्योंकि वो एक तरह से उनको मनी भी अर्न कर लेते हैं, सोर्स ऑफ इनकम का भी काम करता है. आसाम जो है वहाँ के लोग काफ़ी मतलब जो गरीब हैं उन वो मास्क सेंड मास्क जो है टूरिस्ट को बेच के उनकी कुछ अच्छी खासी अर्निंग हो जाती है और उनका ट्रेडिशंस भी इससे अलाइव रहता है. फोक थिएटर्स में प्ले करते हैं जो टूरिस्ट आते हैं विजिट करने, उनके डांस देखते हैं तो फिर उनका ट्रेडिशंस देखते हैं, उनकी लाइफ स्टाइल देखते हैं, ब्यूटीफुल सीनरीज, हिल्स, रिवर्स, वेरी ब्यूटीफुल प्लेसेस है. तो वहाँ पे क्या होता है, एक तरह से जब ये मास्क को बनाते हैं, बास्केट्स को सेल करते हैं टूरिस्ट को, ब्यूटीफुल मतलब कोई आइटम्स भी बैम्बू स्टिक से बना सकते हैं, डेकोरेशन का आइटम्स, तो उसे जब सेल करते हैं टूरिस्ट को बेचते हैं तो एक तरह से वो इनके आजीविका का साधन भी हो जाता है, सोर्स ऑफ इनकम भी हो जाता है, मनी अर्निंग का काम भी हो जाता है, जो कि उनके लाइफ स्टाइल को बेटर करने में काफ़ी अच्छा होता है, हेल्पफुल होता है. द नेक्स्ट स्टेट इज़ द नागालैंड. नागालैंड की बात आते ही आपके दिमाग में ट्राइब्स के बारे में, ट्राइब्स आदिवासी जनजाति जो होते हैं उनके बारे में आने लगता है. और अभी नाउअडेज यू आर स्टार्टेड थिंकिंग अबाउट द ग्रेट हॉर्नबिल फेस्टिवल. हॉर्नबिल फेस्टिवल्स एक बहुत ही फेमस फेस्टिवल है जो कि दिसंबर के 1 to 10 December बिटवीन दीज 10 days दे आर सेलिब्रेटिंग. इस नागालैंड जो है स्टेट, इसमें हम मोस्टली इसी फेस्टिवल्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं. तो लेट्स सी व्हाट इज गिवन हियर. नागालैंड इज अ लार्जली माउंटेनियस स्टेट. लार्जली माउंटेनियस स्टेट मतलब वहाँ पे बहुत ढेर सारे माउंटेन्स आपको देखने को मिलेंगे, विच इज़ फेमस फॉर इज ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट. वहाँ पे ट्रॉपिकल्स एंड सब ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट है. एवरग्रीन फॉरेस्ट, व्हाई दे आर यूजिंग द वर्ड एवरग्रीन फॉरेस्ट, बिकॉज एवरग्रीन मीन्स अ फॉरेस्ट विथ अ ट्रीज डैट इज स्ट्रेट ग्रीन थ्रू आउट द ईयर. मीन्स ऐसा फॉरेस्ट जो साल भर एवरी टाइम एवरग्रीन रहता है. वहाँ की जो वहाँ हरियाली छाई रहती है, कभी वहाँ की पत्तियाँ सूखती नहीं हैं, ऑल 12 months वहाँ पर ग्रीनरी रहती है, एवरग्रीन रहता है. दैट्स वाई दे आर यूजिंग एवरग्रीन फॉरेस्ट, एक ऐसा फॉरेस्ट जो वहाँ पर हमेशा हरियाली छाई रहती है. So, 20% of the state is covered in woodless forest and there is a plentiful fauna and flora is found here. So, 20% is a state ka jo hai wo kisse covered hai, wooden forest se hai, means wahan pe lakdiyan jo hai wo hai wooded forest hai and पेड़ उगा है, लकड़ियाँ हैं. तो देयर इज अ प्लेंटीफुल ऑफ अ फ्लूना एंड फ्लोरा फाउंड हियर. फ्लूना एंड फ्लोरा वी कैन से हियर क्रीपर प्लांट्स लाइक फॉर एग्जांपल्स मनी प्लांट. फ्लोरा मीन्स फूल पत्तियों वाला, लता वाला जो पेड़ होता है जो चढ़ता है ऊपर. फॉर एग्जांपल मनी प्लांट, बट मनी प्लांट में फ्लावर्स नहीं होता है, यहाँ पे फ्लावर्स की भी बात की गई है. तो यहाँ पे जो क्रीपर टाइप के प्लांट्स होते हैं ना वो बहुत ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं. प्लेंटीफुल वर्ड इज़ यूजिंग हियर ना, सो इसलिए यहाँ पे प्लेंटीफुल मीन्स बहुत ज़्यादा तादाद में, बहुत ज़्यादा मात्रा में यहाँ पे लता वाले पेड़ जो होते हैं फ्लावर्स के साथ जो होते हैं उन्हें वो पाए जाते हैं. दिस फॉरेस्ट आर ऑल्सो होम टू द ग्रेट हॉर्नबिल, ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल. ये जो फॉरेस्ट है वो क्या है, एक तरह से होम है, घर है, किस चीज़ का, ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल का. क्योंकि जो ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल फेस्टिवल्स है वो यहीं पर इसी फॉरेस्ट में मनाया जाता है. फर्दर पैराग्राफ में आपको एग्जैक्ट प्लेस मैंशन किया गया है कहाँ पर, किस गाँव में, किस एरिया में मनाया जाता है. सो द पीपल ऑफ नागालैंड बिलोंग्स टू 16 डिफरेंट टाइप ट्राइब्स.
जो लोग हैं नागालैंड के वो कहाँ से बिलोंग किए हैं, उनके अंदर वहाँ पे जो नागालैंड के लोग हैं वहाँ पे 16 डिफरेंट तरह के आदिवासी जनजाति जो हैं रहते हैं, ईच विथ अ लैंग्वेज दैट इज़ एक्सक्लूसिव टू द ट्राइब. 16 डिफरेंट ट्राइब्स रहते हैं 16 डिफरेंट लैंग्वेज के साथ, जो कि एक्सक्लूसिव लैंग्वेज है उस पर्टिकुलर आदिवासी जनजाति के लिए. मीन्स एक्सक्लूसिव मीन्स यू कैन से डायलेक्ट लैंग्वेज, डायलेक्ट लैंग्वेज मीन्स लैंग्वेज दैट इज अंडरस्टूड बाई टू और वन पर्सन और ग्रुप ऑफ अ पर्सन. मतलब एक ऐसा लैंग्वेज जो कि एक या दो लोग ही जानते हैं या कोई एक ग्रुप के जो लोग हैं वही जानते हैं. और ये ना तो एक नेशनल लैंग्वेज होगा, ना ही स्टैंडर्ड लैंग्वेज होगा, ना ही इंटरनेशनल लैंग्वेज होता है. एक्सक्लूसिव लैंग्वेज मीन्स एक लैंग्वेज जो कि पर्टिकुलर ग्रुप और कुछ लोगों के द्वारा ही उसे जाना जाता है. तो यहाँ पे जो 16 डिफरेंट ट्राइब्स हैं उनके लैंग्वेज भी 16 डिफरेंट लैंग्वेज है, और एक लैंग्वेज दूसरा जो आदिवासी ग्रुप है वो नहीं जान सकता. द लैंग्वेज आर वेरी डिस्टिंक्ट एंड यूनिक, जो उनके लैंग्वेज जो है काफ़ी डिस्टिंक्ट हैं, अलग हैं और यूनिक्स हैं टू सच एन एक्सटेंट दैट उस इस हद तक वो इतने अलग लैंग्वेज हैं. कैन सी द पिक्चर हियर, दे आर सेलिब्रेटिंग द डांस हियर, नागालैंड डांस एंड ऑल. वो इतने अलग लैंग्वेज हैं, इतने अलग लैंग्वेज है टू सच एन एक्सटेंट दैट कम्युनिकेट बिटवीन अ ट्राइब्स कैन समटाइम्स बी डिफिकल्ट. क्योंकि इसका कभी कभी क्या होता है, इन जो ट्राइब्स हैं, जो आदिवासी जनजाति के लोग हैं, उनसे बात करना काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता है. क्योंकि दे डोंट अंडरस्टैंड समटाइम द ट्राइब्स, दे डोंट अंडरस्टैंड द इंग्लिश लैंग्वेज, उन्हें इंग्लिश लैंग्वेज नहीं आता है. समटाइम द विजिटर, जो विजिटर हैं वो इंग्लिश में बात करते हैं, उन्हें इंग्लिश नहीं आती, आदिवासियों को इंग्लिश नहीं आती, और जो विजिटर हैं उन्हें आदिवासियों की लैंग्वेज नहीं आती. क्योंकि वो जो लैंग्वेज यूज़ करते हैं दैट लैंग्वेज इज़ अ डायलेक्ट लैंग्वेज. डायलेक्ट मीन्स द लैंग्वेज इज़ अंडरस्टूड बाई अ स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल और ओनली वन और टू पीपल. इट्स नॉट अ नेशनल लैंग्वेज, इंटरनेशनल लैंग्वेज और स्टैंडर्ड लैंग्वेज नहीं है. टुडे आजकल क्या होता है, हाउ इंग्लिश इज ऑल्सो कॉमनली स्पोकन अक्रॉस द स्टेट. मोस्टली इंग्लिश जो होता है कि इंटरनेशनल लैंग्वेज है, जो मोस्ट स्टेट्स में सब जगह बोला जाता है. नागालैंड इज ऑल्सो लैंड ऑफ अ फेस्टिवल. आगे क्या बता रहे हैं कि नागालैंड जो है लैंड ऑफ फेस्टिवल्स है. मोस्ट ऑफ दिस फेस्टिवल रिवॉल्व अराउंड एग्रीकल्चर. इसके भी जो मोस्ट ऑफ द फेस्टिवल्स हैं वो एग्रीकल्चर, खेती से ही, खेती के ही चारों ओर घूमते हैं. मीन्स उससे ही रिलेटेड होते हैं. क्यों? बिकॉज ओवर 85% ऑफ पॉपुलेशन ऑफ नागालैंड इज़ डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर. 85% आबादी, पॉपुलेशन जो है नागालैंड की, वो किस में इन्वॉल्व है? डायरेक्टली डिपेंड ऑन एग्रीकल्चर, खेती से रिलेटेड है. द पीपल्स लिव इन अ विलेजेस दैट आर बिल्ट हाई अप इन अ माउंटेनियस और स्लोप्स ओवर लुकिंग अ वर्डेंट वैली. वर्डेंट मीन्स अ कवर्डेड विद अ हेल्दी ग्रीन प्लांट्स और ग्रासेस. मीन्स वहाँ के जो लोग हैं वो कहाँ रहते हैं? विलेज में रहते हैं, जो माउंटेन्स के ऊपर और स्लोप्स के ऊपर बनाए गए हैं, जो कि चारों तरफ से ग्रीनरी से, प्लांट से, ग्रासेस से वो एरिया कवर्डेड है. मैंने कैमरा ऑफ कर दिया था क्योंकि इट जस्ट हाइड द लाइन्स, वॉट इज द लाइन्स इज गिवेन हियर, वो लाइन्स के ऊपर आ रहा था, दैट्स वाई आई ऑफ द कैमरा. द लास्ट पैराग्राफ इज द हॉर्नबिल फेस्टिवल इज द बिगेस्ट फेस्टिवल होस्टेड इन नागालैंड. जो बहुत बड़ा फेस्टिवल है जो कहाँ सेलिब्रेट किया, नागालैंड में सेलिब्रेट किया जाता है. सेलिब्रेटेड एवरी ईयर, हर साल फ्रॉम 1 to 10 December एट द नागा हेरिटेज विलेज ऑफ किसामा. कहाँ सेलिब्रेट किया जाता है? नागा हेरिटेज विलेज ऑफ किसामा में सेलिब्रेट किया जाता है, नियर कोहिमा. कोहिमा क्या है? नागालैंड का कैपिटल है कोहिमा. द हॉर्नबिल फेस्टिवल वॉज स्टार्टेड, और ये जो फेस्टिवल है काफ़ी सालों से नहीं स्टार्ट किया गया है. यू कैन सी हियर रिटन, वॉज स्टार्टेड इन 2000 एज अ मेन इवेंट. 2000 से ही एक मेन इवेंट, एक बड़े पैमाने पे इसे स्टार्ट किया गया है, टू प्रमोट टूरिज्म इन द स्टेट, टू ब्रिंग ऑल द ट्राइब्स टूगेदर अंडर वन रूफ. क्यों इसे जो है मेन इवेंट की जैसे प्रमोट किया गया है? क्योंकि टूरिज्म को, टू प्रमोट टूरिज्म, टूरिज्म स्टेट में आएंगे, वो चीज़ें परचेज करेंगे, एंड इन रिटर्न दे विल गिव मनी. जब
उस स्टेट में पैसा आएगा तो स्टेट का जो फाइनेंशियल जो कंडीशन है वो इम्प्रूव होगा, लोगों का गरीबी जो गरीबी है वो हटेगी, जो बाहर से विदेशों से और अलग अलग जगहों से लोग यहाँ पे आएंगे विजिट के लिए। ये एक फेयर के जैसे अब सेलिब्रेट होता है, काफ़ी ग्रैंड होता है ये हॉर्नबिल फेस्टिवल्स जो होता है एंड टू ब्रिंग ऑल द ट्राइब्स। और दूसरा रीज़न क्या है, जो सारे आदिवासी जनजातियाँ उन्हें एक साथ एक छत के नीचे लाने के लिए जो है, क्योंकि अब जो है आप देखोगे कि जो आदिवासी जनजाति है वो लुप्त होते जा रहे हैं, गायब होते जाते हैं, तो अपनी इस ट्रेडिशंस को अपने ट्राइब्स जो हैं वो अपनी जनजाति को बचाने के लिए इस जो है हॉर्नबिल फेस्टिवल्स को प्रमोट किया जा रहा है। टूरिज्म की स्टेट में आए, उस स्टेट में टूरिस्ट आए, विजिट करें, जिससे स्टेट का फाइनेंशियल कंडीशन भी अच्छा हो एंड जो सारे जो आदिवासी जनजाति जो अब लुप्त होते जा रहे हैं उन्हें बचाने के लिए भी 2000 से एज अ मेन इवेंट इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया जा रहा है नागालैंड में। नाउ द फेस्टिवल्स ड्रॉस टूरिज्म फ्रॉम अ मेन लैंड इंडियाज अराउंड द वर्ल्ड। अब जो कंडीशन है फेस्टिवल्स जो है इतना अट्रैक्ट कर रहा है टूरिस्ट को, क्योंकि टूरिस्ट जो है इंडिया के मेन लैंड इंडिया मीन्स इंडिया के अलग अलग पार्ट से आ रहे हैं, इवन अराउंड द वर्ल्ड पूरे वर्ल्ड के अलग अलग जगहों से भी लोग आ रहे हैं नागालैंड के इस हॉर्नबिल फेस्टिवल को विजिट करने के लिए। द फेस्टिवल सर्व्स एज अ विंडो इनटू अ नागालैंड, अ वे टू एक्सपीरियंस द वे ऑफ लाइफ एंड ट्रेडिशंस ऑफ दिस स्टेट। एक विंडो के जैसे है, विंडो वर्ड यहाँ पे यूज़ किया गया है। फेस्टिवल सर्व्स एज अ विंडो इनटू अ नागालैंड बिकॉज इन दिस फेस्टिवल दे आर जस्ट शोइंग द ग्लिम्सेस ऑफ द नागालैंड ट्रेडिशंस, देयर वे ऑफ लाइफ, देयर स्टेट्स ब्यूटीज, देयर स्टेट ब्यूटीज, देयर क्राफ्टमैनशिप्स, ऑल एक फेयर के जैसे इन सारी चीज़ों को वो प्रदर्शित कर रहे हैं, दिखा रहे हैं। तो इट्स लुक लाइक अ ग्लिम्सेस, ऐसा लगेगा कि आप किसी एक ग्लिम्सेस, एक खिड़की, एक विंडो के अंदर झांक रहे हो जिसमें आपको सारा पिक्चर एक साथ दिख रहा है, ग्लिम्सेस मिल रहा है नागालैंड का, के लोगों का, उनकी लाइफ स्टाइल का, उनकी ट्रेडिशंस का, उनके जो स्टेट्स है उसमें जो है कैसे कैसे फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं फॉर दिस ऑल। सो दैट्स वाई द वर्ड यूज हियर विंडो इन टू अ नागालैंड। So this is the explanation of your chapter 7, the Northeast India. Soon I will upload the question answers of this chapter also. Hope you will enjoy the explanation. Very beautiful chapter this is. Agar aapko kabhi time milta hai, must visit these places also. So thank you for watching my video. Okay, bye, stay blessed.